मैं आपको अपने तीसरे खेत में ले जा रहा हूँ और तीसरे खेत में कैमरामैन से बोलूंगा कि एक एक करके पेड़ दिखाएंगे। ये भी हमने पेड़ लगा रखा, सेब का पेड़ है, ये भी सेब का पेड़ है, वो बगल में आपको ग्राफ्टेड अखरोट का पेड़ मिलेगा। ये यहाँ पे अभी माता जी ने हमारे वो बोल रखा है, प्याज लगा रखा है, ये आपको वो मिलेगा पेड़, अनार का पेड़ मिलेगा, ये ग्राफ्टेड अखरोट का पेड़ है, और यहाँ देखिए ये नारंगी का पेड़ है, महाराष्ट्र का नारंगी का पेड़ है, ये अखरोट, ये रेड वाला है, ये भी रेड गाले का पेड़ है। ये पेड़ जो आप, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएंगे कि क्योंकि पेड़ सारे पेड़ लग गए हैं, आप मेहनत करेंगे क्यों नहीं होगा, ये पेड़ सब लगे हुए हैं, ये नई नई कोपले आ गई हैं, यहाँ खास मिश्र खेती भी हो रही है पेड़ों के साथ साथ, जिससे पेड़ को भी पौष्टिकता मिल जाती है। ये देखो ये सेब का पेड़ है, वो अनार का पेड़ है, अनार की क्वालिटी रेड गाला, चीकू, अनार और कीवी, कीवी का पेड़ भी लगा रखे हैं, कीवी का पेड़ भी है, हींग के पेड़ भी हैं, और अनार हींग है, कीवी है, संतरा है, अमरूद है। ये मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि एक हमने पेड़ लगा रखा है संतरे का, नागपुरी संतरे का पेड़, देखो ये 1.5 साल में इतना बड़ा पेड़ हो गया है, तो आप कल्पना करिए कि आप मेहनत करने से क्यों नहीं हो सकता है। और ये हमने बीच में अभी ग्राफ्टेड अखरोट का लगा रखा है, ये ग्राफ्टेड अखरोट का पेड़ है, ये भी अंकुरित हो रहा है, और इसके साथ साथ हमने अनार का पेड़ लगा रखा है, ये हेमंतली अनार है, और इसके साथ साथ ये अमरूद का, ये संतरा का जैसे किन्नू टाइप का होता है उसका पेड़ लगा रखा है, ये पेड़ हमारा ग्राफ्टेड अमरूद का पेड़ है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो एक बार यहाँ से कैमरा पैन करें, और जो हमारे घर के नीचे का खेत है, हमने यहाँ भी पेड़ लगा रखे हैं, और पेड़ लगाने के साथ साथ इनमें काफ़ी मेहनत भी करते हैं, और लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है पहाड़ में, आप आइए तो सही, आप करें तो सही, पहाड़ में बहुत कुछ है, पहाड़ खनिज संपदा से भरा पड़ा है, लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है।